हेलो फ्रेंड्स, पहले बात तो ये कि मैं तहे दिल से आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि पहले जो मैंने वीडियो एमएस पावर पॉइंट के ऊपर डाला था सीपीटी टेस्ट का, वो उसको मैंने डिलीट करना पड़ा क्योंकि सॉफ्टवेयर डिस्टॉर्शन की वजह में ऑडियो वीडियो थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो रहा था, सिंक नहीं हो पा रहा था। दो चार फ्रेंड्स ने मेरे को बोला, इसीलिए मैं ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप हो सके तो फिर से एक बार देख लीजिए। एनीवेज, देखिए ये जो एमएस पावर पॉइंट का, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ए है, मार्क्स 10 है। देखिए मार्क्स 10 क्योंकि यहाँ पे दो क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले जो एक्सेल का शीट था वहाँ पे 20 मार्क्स का चार क्वेश्चन था। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स करके, तो अभी तो टोटल मार्क्स सीवीडी का 20 मार्क्स हो चुका है, पहले 50 था, इसीलिए आपको पावर पॉइंट से एक ही क्वेश्चन मिलने का उम्मीद है। ठीक है, अच्छा, जो और क्वेश्चन जो है ये मैंने एक साइट से उठा है, ये प्रीवियस ईयर का ये सैंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक फ्रेंड ने मेरे को पूछा, तो मैं ये बोल रहा हूँ आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको दो चार साइट में तो मिल ही जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन पे आपको प्रॉब्लम है, आप आपका प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेरे को पूछ सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन करके एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट का जो पहला क्वेश्चन है, टू पावर पॉइंट स्लाइड्स यूजिंग द डिफॉल्ट स्लाइड टाइप हैविंग टू सेक्शन, ऐड टाइटल एंड ऐड सब टाइटल, या पे ऐड टाइटल ऐड सब टाइटल, आपको अगर दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे एक्ट टाइटल एड सब टाइटल पावर पॉइंट में ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो ये क्लोज कर दीजिए। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं। तो द टेक्स्ट कंटेंट शुड बी अलाइंड एज पर सेम स्लाइड, यहाँ पे जो स्लाइड, यहाँ पे जो स्लाइड दिया हुआ है इसका सेम आपका अलाइनमेंट होना चाहिए। ठीक है, जो आप करोगे प्रोजेक्ट, ईच ऑफ द स्लाइड शेल कंप्राइज ऑफ द इक्वल कंटेंट अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे जो कंटेंट है ये नंबर ऑफ वर्ड्स टोटल जो कंटेंट है ये आपका लगभग सेम होना चाहिए। ठीक है, टोटल एग्जैक्टली सेम हो कि ना हो ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिर से चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो एड टाइटल है, आप यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको टाइटल और सब टाइटल का अंदर थोड़ा बहुत गैप कर सकते हैं ऐसे, मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा के लिए, इसका कोई मतलब मैंडेटरी नहीं। तो यहाँ पे आप टाइटल में लिख दीजिए सीपीटी, सॉरी सीपीटी, ओके। सब टाइटल में आप कुछ भी लिख दो, डब्ल्यू बी ए सी डी सी एल ऑफिस एग्जीक्यूटिव, ओके। तो ये आपका, ये मैंने सैंपल कर दिया, ये पे तो आपका जो सैंपल का जो पेपर है लगभग इतना ही वर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे उतना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका एक स्लाइड खत्म हो चुका है, एक क्वेश्चन खत्म हो चुका है, यहाँ पे और कोई, अच्छा अलाइनमेंट जो है, ठीक है, वो सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो अलाइनमेंट है, यहाँ पे अलाइनमेंट क्या है, यहाँ पे जो अलाइनमेंट है पहले से शुरू होता है, तब अलाइनमेंट में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपका ऐसा अलाइनमेंट है। ठीक है, मतलब बीच में था लेकिन आपका अलाइनमेंट था दिस वाला, मतलब अलाइनमेंट लेफ्ट लेफ्ट अलाइनमेंट जो था यहाँ पे सेम। देखिए अब कैसे समझोगे, मैं थोड़ा बहुत जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक लाइन का जो यहाँ पे खत्म हुआ उसके बाद पहले से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये लाइन अगर बीच में रहता तो आपका अलाइनमेंट मिडिल होता, ऐसे ही होता, सेंटर होता। ठीक है, और अगर राइट से शुरू होता तो ऐसे ही होता, और सेम सेम रहता तो जस्टिफाई ऐसे ही रहता। ठीक है, तो इसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, सेम ही होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट अलाइन, नॉर्मली आप ये समझ के रखिए जो आपका अलाइनमेंट होगा वो लेफ्ट अलाइनमेंट ही होगा, ज्यादातर लेफ्ट अलाइनमेंट ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, रिप्रोड्यूस द कंटेंट एज मेंशन इन द सैंपल बिलो बाय यूजिंग वेडना, ये फॉन्ट स्टाइल होता है, एज द फॉन्ट टाइप फॉर बोथ टाइटल एंड सब टाइटल और सब टाइटल के लिए बोथ आपको वेडना, ये जो फॉन्ट स्टाइल ये मतलब इसमें आपको करना है। ठीक है, अलोंग विथ फॉन्ट साइज 54, फॉन्ट साइज आपका 54 रखना है टाइटल के लिए, और आपका 24 रखना है आपका सब टाइटल के लिए। ओके, तो ये है, और द टाइटल शुड बी इन बोल्ड्स ऑल्सो। ठीक है, तो देखिए
ये पे जो नेक्स्ट स्लाइड है, ऐसे ही आप करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड कैसे करते, यहाँ पे न्यू स्लाइड पे जाओ। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड का पैटर्न है, आपका कौन सा स्लाइड, कौन सा पैटर्न आपको फॉलो करना है, ये आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक ही है, एक टाइटल एक सबटाइटल। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया है, ये कोई आपका करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये टाइटल सबटाइटल, तो आपको देख पा रहे हो आप टाइटल सबटाइटल दोनों बॉक्स है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे कुछ रहेगा, ऐसे भी रह सकता है कि टाइटल रहेगा दो सबटाइटल रहेगा, तो आप तब ये मतलब ये स्लाइड आप लोगे, ठीक है। तो नया स्लाइड ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको टाइटल, इसके बाद आपको बोल्ड करना पड़ेगा, और आपका जो फॉन्ट स्टाइल है वो आपको लेना पड़ेगा, फेड डाना, ठीक है, ये लेना पड़ेगा। ओके, तो आप मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ भी लिख दीजिए, WPACGCL, ठीक है। यहाँ पे आप 60 है, यहाँ पे आपको 54 करना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे 54 कर दीजिए, ठीक है। सबटाइटल में आपका बोल्ड रहेगा, आपका फॉन्ट स्टाइल भी सेम रहेगा, वेट डना ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए कि इट इज स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे तो आपका हाँ डॉट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये 24 करना पड़ेगा, 24 ऑटोमेटिकली है, ठीक है। तो 24 आप कर दिया, तो देखिए आपका जो अच्छा यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा आपको, जितना यहाँ पे है लगभग इतना ही टाइप करना पड़ेगा वर्ड, ठीक है। तो यही है, एकदम सिंपल। अच्छा, और जो एक बात, बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे थे इतना सिंपल क्या आएगा, क्या इससे टॉप आएगा। देखिए 80% चार्ज है, इतना ही सिंपल आएगा। अच्छा, थोड़ा बहुत ये भी आ सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर इसका कलर चेंज करना है तो आपको यहाँ पे जाके कलर चेंज आप कर पाओगे, ठीक है, यहाँ पे जाके आप कलर चेंज कर पाओगे ऐसे ही, ठीक है। अगर आपका अलाइनमेंट, अच्छा और एक बात देखिए, क्वेश्चन में एक था, क्रिएट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कॉम्प्राइजिंग, ठीक है, द कॉन्टेंट मेंशन सैंपल स्लाइड, सैंपल स्लाइड के अनुसार आपको करना होगा, क्या क्या फॉर्मेट में, बोल्ड दिखाना होगा, अंडरलाइनिंग दिखाना होगा, इटैलिक्स दिखाना होगा, अलाइनमेंट दिखाना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका अंडरलाइन दिखाया, इटैलिक दिखाया, अलाइनमेंट, तो यहाँ पे चले जाओ, देखिए बोल्ड तो आपको दिखा दिया, थोड़ा बहुत इटैलिक करके दिखाता हूँ, ये आपका इटैलिक साइन है, इटैलिक करके, देखिए थोड़ा बहुत कार्ब होगा, यही इटैलिक। अच्छा, थोड़ा बहुत मैं अंडरलाइन करके दिखाता हूँ, ये अंडरलाइन, अलाइनमेंट पहले मैं बता दिया, ये सेंटर अलाइन में था, ये लेफ्ट अलाइन में, आप थोड़ा बहुत सेंटर अलाइन में भी कर सकते हो अगर वहाँ पे आपका मेंशन है तो, ठीक है। यही है लगभग, इसी के ऊपर बेस करके आपका क्वेश्चन आएगा। तो चलिए यही आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अगले में